नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। पलामू मेती नगर सदर प्रखंड क्षेत्र के सुआ पंचायत के बिंदुआ टोला में लगने के 4-5 महीना बाद ही खराब हो गया। लगभग साल भर से जल मीनार खराब पड़ा हुआ है। इन दिनों खराब पड़ी हुई है। खराब जल मीनार लोगों के लिए सफेद हाथी साबित हो गया है, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत हो रही है। ग्रामीण रामनाथ सिंह, संदीप सिंह, कौशल कुमार, शैलेंद्र आदि ने जल मीनार को देखते हुए उन्होंने बताया कि करीब 4-5 माह बाद से जल मीनार खराब हो गया है। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी पहल नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इसके पूर्व इस जल मीनार के बगल में एक चापा नल लगा है और उसी चापा नल से कमर्सेबल पंप लगाने के कारण चापा नल में भी पानी निकलना बंद हो गया है। उसी चापा नल से ग्रामीणों का काम चलता था। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य जनप्रतिनिधियों से अविलंब इस जल मीनार की मरम्मत करा कर चालू करवाने की मांग। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि जल मीनार खराब है, तो कितना दिन से खराब है जल मीनार? लगभग साल भर के लगभग हो ये चला। और इसको कोई अभी तक बनाने नहीं आया क्या? ना। और कंप्लेन किया था आप लोग कहीं पे? कंप्लेन गौरी शंकर है से फोटो करके भेजले था अति वीडियो की। हाँ, तो वो वीडियो आए कि नहीं आए ये पता नहीं चला। और आप लोग के मतलब पीने के साधन क्या है यहाँ पे? पीने के साधन तो यहाँ कुछ नहीं है, वो कुआँ है। तो आप लोग कुआँ से पीते हैं पानी? हाँ। लगभग कितना दिन से खराब है? साल भर के लगभग हो ये चला है। आपका क्या नाम हुआ? रामनाथ सिंह। हाँ, घर हुआ? हुआ टोला, टोला बिन हुआ। R9 भारत के लिए निखिल कुमार पांडे की रिपोर्ट, पलामू। पाकी प्रखंड के पिपड़ा टांड थाना क्षेत्र के मच्छरदानी का वितरण नहीं हुआ। जब R9 भारत की टीम पहुंचकर मामले को प्रकाश में लाया तो आज दिनांक 5 अगस्त 2021 मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बहेरा गांव सभी लोग मच्छरदानी नहीं पा रहे हैं। बहेरा गांव में जनगणना के अनुसार आबादी लगभग 900 लोगों का सर्वे किया गया था। 500 मच्छरदानी की मांग की गई थी, जिसमें सहिया को मात्र 200 ही मच्छरदानी प्रखंड स्तर से मिली है। ऐसे में सर्वे के मुताबिक लोगों को मच्छरदानी सभी को नहीं मिल पा रही है। R9 भारत के संवाददाता सिराजुद्दीन ने सहिया कौशल्या देवी से बात की तो कौशल्या देवी का कहना है कि हमारे लिए सभी सम्मानित जनता एक समान है, आवश्यकता ज्यादा है, साधन कम, और इसी से मिला जुला कर वृद्ध महिला पुरुष को प्राथमिकता देते हुए मच्छरदानी का वितरण कर रही हूं। हमें उम्मीद है कि मुझे और मच्छरदानी मिलेगी तो बचे हुए लोगों को पुनः वितरण करूंगी। वही पंचायत पगार खुर्द बहेरा गाँव के वार्ड सदस्य रफीक अंसारी का कहना है कि मैं मुखिया संजू देवी से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि और मच्छरदानी प्रखंड से लाएंगे और बचे लोगों को पुनः मच्छरदानी का वितरण किया जाएगा। इस वक्त हम खड़ा हैं पगारखुर पंचायत के बहेरा गांव में, जहां पे सहिया द्वारा मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। अब इसमें लोग हंगामा कर रहे हैं, किसी किसी को मिल रहा है, किसी किसी को मैं नहीं मिल रहा है। तो मैंने जानने की कोशिश की सहिया महोदय से कि आपने किसी किसी को मच्छरदानी दे रहे हैं और किसी किसी को नहीं दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सहिया महोदय पगार पंचायत के बहेरा गांव के सहिया से बात करना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को मच्छरदानी दे रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं, इसमें ग्रामीण आक्रोशित है। थोड़ा मैं सहिया महोदय से बात करना चाहता हूँ। बोलिए मैडम। हमको कहना यही है कि मेरा आबादी ये 973 गो है, जेकरा में कि हमने मच्छरदानी 500 मांग की थी, जिसमें मेरा मच्छरदानी 200 मिला है। मेरा चूल्हा की संख्या 273 है और घर की संख्या देखते कितना है, 179 को मेरा घर की संख्या है। इसीलिए हम सब सदस्य कहना चाहते हैं कि अभी घर बाय घर आप लोग मच्छरदानी ले लीजिए। आने वाला दिन में मेरा मच्छरदानी आएगा 300 तो आप लोग को देंगे, और नहीं आएगा तो हम देने से असमर्थ हैं। जी, यहाँ पे वार्ड साहब भी मौजूद हैं। मैं वार्ड साहब से कहना चाह रहा हूँ कि आखिर आप इस तरीके से आगे आप बात करके क्यों नहीं मच्छरदानी मंगवा रहे हैं? आगे आश्वासन दिया गया है कि आएगा तो मिलेगा, ऐसे उम्मीद है कि मिल सकता है मच्छरदानी। ठीक है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। तो सरकार के क्या कहना है दादा, आपको क्या परेशानी है? ककरा आपको कोई परेशानी है? हमरा? हाँ, हमरा का परेशानी रहेगा? घर जाना मच्छरदानी मिल रहा है,
परिवार है। तो अभी अभी 20 रुपया लेकर के दिया जा रहा है। अभी सहिया महोदय बोले कि हम लोगों को जनसंख्या चूल्हा का जनसंख्या ज्यादा है और मच्छरदानी प्रखंड से कम मिला कम है, तो उसी आधार पर वितरण किया जा रहा है। ठीक है, फिर आश्वासन सहिया महोदय दी है हाँ कि फिर मच्छरदानी आएगा, जो बचे खुचे लोग हैं सबको मिलेगा। R9 भारत के लिए सिराजुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट, पिपराटांड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।